नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ गौरव सिंह सैगर। कल गवर्नमेंट बजट पेश किया गया और ये जो गवर्नमेंट बजट पेश किया गया है, इस बजट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिनका बजट के बाद प्राइस जो है वो कम होने को देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी कीमत कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई देखी जाएगी। अगर हम बात को समझें तो ये जो बजट है इस बार का, मोटे मोटे तौर पे इसमें 7 चीजें ऐसी थी जिन पे कस्टम ड्यूटी जो है वो हटा दी गई है, और वहीं 2 चीजें ऐसी रही हैं जिनमें कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। इसमें करीब 7 प्रोडक्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे और 2 प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। अब जो सस्ते होने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन और सोना चांदी जैसी चीजें हैं, वहीं प्लास्टिक से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाएंगे। अगर अगर हम इस चीज को ओवरऑल समझें कि ये कस्टम ड्यूटी से किस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद गवर्नमेंट जीएसटी के टैक्स रेट तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी है, तो जीएसटी के टैक्स रेट पे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कस्टम ड्यूटी है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको चेंज करती रहती है, इसके वजह से जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल समझें कि इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है या कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो आपका फोन और चार्जर है। मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स में जो कस्टम ड्यूटी है वो लगभग 20% लगा करती थी, अब उसे घटा के 15% कर दिया गया है। सोना चांदी की अगर हम बात करें तो सोना चांदी में जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो 15% लगती थी, उसको घटा के 6% कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 15.4% हुआ करती थी, जिसको घटा के 6.4% कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंसर की जो दवाइयां होती थी उनसे टैक्स की जो ड्यूटी है, यानी कि जो दवाइयों पे जो ड्यूटी लगती थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन फ्री जो कॉपर है उस पर ड्यूटी घटाई गई है। और इसके अलावा अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रोडक्ट हैं उन पर भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। और इसके अलावा रेयर मिनरल्स पे अगर हम बात करें तो 25 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिन पर टैक्स ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फिश फीड की, तो फिश फीड पे भी कस्टम ड्यूटी जो है वो घटाकर 5% कर दी गई है। अब जो प्लास्टिक वाले जो सामान है जिन पे टैक्स ड्यूटी को बढ़ाया गया है, इसमें टेलीकॉम के जो सामान है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, और प्लास्टिक प्रोडक्ट में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो ये ओवरऑल रहा है जिसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि अब लोगों की जो पॉकेट है उस पर सोना चांदी जैसे प्रोडक्ट या मोबाइल फोन जैसे प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, उनकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी, तो लोगों की जेब पे इसका असर जो है वो कम पड़ेगा। वहीं जो प्लास्टिक से प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है उन पे ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बिजनेस न्यूज भारत के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बताइए कि हम और किस चीज से रिलेटेड वीडियो बनाए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। और इसके अलावा आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि हमको इससे आपकी तरफ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बिजनेस न्यूज़ भारत के साथ।